जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हमको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में समझना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में हमको समझना। देखिए, सबसे पहले का तो हम एमएस ऑफिस के बारे में बात करें तो एमएस ऑफिस 2013 के बारे में हम लोगों को सीखना है। और एमएस ऑफिस 2013 में एमएस वर्ड आता है, एमएस एक्सेल आता है, एमएस पावर पॉइंट आता है, और प्लस एमएस एक्सेस आता है, और एमएस आउटलुक भी आता है। समझ में आ रहा है ना? ये पांच पैकेज, मतलब कि हम लोगों को सीखना है एमएस ऑफिस में। इतने सारे पैकेज हमारे एमएस ऑफिस के अंतर्गत आते हैं। इसमें से जो सबसे पहला है वो है आपका क्या, एमएस वर्ड। देखिए, अगर हम एमएस ऑफिस के बारे में बात करें तो एमएस ऑफिस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आज हम ये कंप्यूटर चला पा रहे हैं तो ये देन है तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही देन, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बिल गेट्स की कंपनी है और बहुत ब्रॉड लेवल की ये कंपनी है जो आज कंप्यूटर को हमारे सामने पुटअप करने का काम किया। समझ में आ रहा है ना? और इसके अंतर्गत एमएस पेंट भी आता है, लेकिन वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाता है और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में शामिल नहीं होता है। और ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस, इसके अंतर्गत इतने सारे पैकेज आपको पढ़ना है। इसमें से सबसे पहले आपको एमएस वर्ड के बारे में पढ़ना है, उसके बाद से हम लोग पढ़ा जाएगा एमएस एक्सेल, फिर पावर पॉइंट, फिर एक्सेस और फिर आउटलुक। तो चलिए, सबसे पहले अगर हम एमएस ऑफिस के में और एमएस वर्ड के बारे में बात करें तो एमएस वर्ड की पेज को हम ओपन कैसे करते हैं, ये पहले हमारे सामने क्वेश्चन ही बनती है कि सर हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे। तो कोई भी सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि विंडो प्लस आर बटन आपको प्रेस करना होता है। ये तो इजी प्रोसेस हो गया। आप इसमें जैसे ही टाइप करेंगे विन वर्ड तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें देखिए, इसमें प्रॉब्लम ये होती है, इतना सारा पेज आपको मिल जाता है, वेलकम टू वर्ड 2013 दिया है, सिंगल स्प्रेड दिया हुआ है, स्नैपशॉट कैलेंडर दिया हुआ है, अलग अलग मतलब ऑप्शन में ये आपको पेज आपको दिखने को मिलता है। देखिए, बबल्स रिज्यूम दिया हुआ है, ओल्ड मॉडर्न कवर लेटर दिया हुआ है, ऐसे अनेक प्रकार का पेज आपको मिलता है, लेकिन आपको जो सिलेक्शन करना है वो है आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट। यानी कि जब हम एमएस वर्ड स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले लिखे आएगा क्या, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और हम यहाँ से ओपन करेंगे तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो ये पहला तरीका है एमएस वर्ड ओपन करने का। और एक और तरीका है, आप यहाँ पे विंडो प्लस यस बटन दबाइएगा और यहाँ पे केवल वर्ड आप टाइप करेंगे तो भी एमएस वर्ड का पेज आपके सामने खुल जाएगा, हो जाएगा। और तीसरा तरीका ये है, माउस से आप राइट क्लिक करिएगा और यहाँ पे न्यू पे आना है और यहीं पे एक एमएस वर्ड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ से, और यहाँ से डायरेक्टली आप ओपन कर सकते हैं। कोई दिक्कत? तो चलिए, अगर आप चाहते हैं यहाँ स्टार्ट बटन से क्लिक करके लाना तो ये इसमें भी आपको एमएस ऑफिस मिलेगा। देखिए देखिए, यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013, इसी पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा वर्ड 2013, एमएस वर्ड 2013। देखिए, चाहेंगे तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इतना सारा मैंने ऑप्शन आपको बता दिया, जो ऑप्शन इजी लगे उस तरीके से आप इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अब चलिए, जैसे इसमें जो पांच ऑप्शन आपको मिला हुआ है, अब किसका क्या प्रयोग है। तो देखिए, एमएस वर्ड के बारे में हम बात करें तो एमएस वर्ड को विन वर्ड के नाम से भी जानते हैं, वर्ड के नाम से भी जानते हैं और डॉक्यूमेंट के नाम से भी जानते हैं। और इस सॉफ्टवेयर में, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम कोई डेटा बना सकते हैं, जैसे कोई मान के चले कि जैसे आपका कोई कवर पेज वगैरह बनाना हो या कोई लेटर वगैरह टाइप करना हो, रिज्यूम वगैरह बनाना हो, बायोडेटा आपको बनाना हो, या फिर मान के चलिए कि जो है कोई कंपनी का लोगो आपको डिजाइन करना हो, कोई सर्टिफिकेट आपको डिजाइन करना हो, कोई क्वेश्चन पेपर वगैरह बनाना हो, इसके लिए हम एमएस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जिसको वर्ड प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। अब क्वेश्चन ये बनती है कि सर एक्सेल का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो एक्सेल का ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है डाटा एंट्री के कार्यों में। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में डाटा एंट्री के बहुत सारे वर्क होते हैं, उसकी कंपनी का पूरा मैनेजमेंट करना, पूरा डेटा को सही करना, ये एक्सेल के ही बेस पे किया जाता है। तो बड़े बड़े कंपनियों में एक्सेल का प्रयोग हम लोग डाटा एंट्री के लिए करते हैं। अब इसके बाद से आता है पावर पॉइंट। तो जैसे कोई प्रेजेंटेशन आपको दिखाना हो, जैसे बड़े बड़े कंपनियों में आपने देखा होगा कि जैसे कंपनी का मालिक आता है और अपने लैपटॉप पे कोई प्रेजेंटेशन बना करके लेके
और आपके सामने बस उसको प्रेजेंट करके आपको दिखाता है, तो वो प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट पे ही बना होता है। जैसे किसी प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना हो, उसका डेमो आपको दिखाना हो, या फिर मान के चलिए कि किसी किसी एजुकेशन विभाग में, जैसे मान के चलिए कि कुछ आपके ऑप्शन आपको बताना हो, तो इसके लिए पावर पॉइंट पे हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। एमएस एक्सेस क्या होता है? तो इसके माध्यम से हम कोई फॉर्म वगैरह डिजाइन करते हैं ऑनलाइन बेस के माध्यम से, और अपना एक्सेस के माध्यम से वो कोई डेटाबेस हम क्रिएट करते हैं, स्टूडेंट डेटाबेस या अलग अलग डेटाबेस हम इसमें बनाते हैं, कोई फॉर्म वगैरह हम यहाँ पे बनाने का काम करते हैं। आउटलुक क्या है? तो एमएस आउटलुक का प्रयोग बड़े बड़े कंपनियों में एक साथ काफी लोगों को ग्रुप में मैसेज भेजने के लिए हम आउटलुक इस्तेमाल करते हैं। जैसे आउटलुक कॉन्फ़िगरेशन करके, और एक साथ मान के चले कि बहुत सारी कंपनियों में इम्प्लाई काम कर रहे हैं, तो एक साथ हम उनको कोई मैसेज इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ये आउटलुक का वर्क होता है। तो पहले कंडीशन में हमको सीखना क्या है? एमएस वर्ड। तो देखिए एमएस वर्ड हम यहाँ पे बताने वाले हैं। सबसे पहले इसमें, सबसे पहले मैंने एमएस वर्ड ओपन किया है, और देखिए इसमें बहुत सारा फीचर्स आपका दिया हुआ है। देखिए हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है आपका वर्ड 2013, यानी कि एमएस ऑफिस 2013 के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। इसके पहले भी बहुत सारे वर्जन होंगे, जैसे 2007 भी इसका वर्जन है, समझ में आ रहा है ना? ऑफिस 2007 भी इसका वर्जन, और ऑफिस 2013 हम लोग सीख रहे हैं। इसका पैकेज आपका 16 भी है, इसका पैकेज आपका 21 भी है, तो इतने सारे पैकेज, 2019 भी इसका पैकेज है, तो कई सारा इसका वर्जन है, लेकिन हम लोगों को जो सीखना है वो है आपका 2013। एक प्रकार का वर्जन है, और एक प्रकार का 2013 हमारा लेटेस्ट वर्जन जो अभी करेंट में चल रहा है। जो सबसे अगर देखा जाए तो 2007 की वर्जन की अपेक्षा इसमें ज्यादा से ज्यादा फीचर्स दे रखा है, क्योंकि 2007 आपका ओल्ड वर्जन हो गया ना, लेकिन ये 2013 जो अभी करंट में, यानी कि लेटेस्ट में जो आपका चल रहा है, वही ऑप्शंस के बारे में हमको सीख रहा है, और इसमें बहुत ही ज्यादा 2007 की अपेक्षा इसमें एक्स्ट्रा फीचर दिया हुआ है। तो चलिए अगर हम एमएस वर्ड के बारे में बात करें, तो इसमें इतना सारा ऑप्शन आपको दिया हुआ है, और याद करिए मैंने आपको पढ़ाते समय भी मैंने आपको बताया था वर्ड पैड, एमएस पेंट वगैरह, कि सबसे टॉप वाले एरिया का क्या नाम होता है? बोलिए, टाइटल बार होता है। और टाइटल बार में क्या क्या पाया जाता है? तो हमारा क्विक एक्सेस टूल बार टाइटल बार में ही पाया जाता है, प्लस हमारे सॉफ्टवेयर का नाम टाइटल बार में ही शो करके दिखाता है, और प्लस इसके अलावा मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन भी टाइटल बार में ही दिखाता है। और इसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन बना हुआ है एरो टाइप का, इसका नाम होता है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। क्या नाम होता है? रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। इसका प्रयोग क्या होता है? तो जब रिबन डिस्प्ले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसमें तीन ऑप्शन आपको मिलेगा, देखिए ऑटो हाइड रिबन, शो टैब, और तीसरा मिलता है शो टैब एंड कमांड्स। तीनों का तीन प्रयोग है, और यही ऑप्शन का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एफ वन, इसको नोट कर लीजिए, एफ वन, कंट्रोल प्लस एफ वन। आकांक्षा, बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, ज्यादा क्या खा लिए थे? देखिए मैंने कंट्रोल प्लस एफ वन बटन दबाया तो ये हाइड हो गया, कंट्रोल एफ वन दबाएंगे तो शो भी हो जाएगा। इसको बोला जाता है क्या, कंट्रोल प्लस मतलब रिबन को हाइड करना और शो करना, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एफ वन बटन होता है। अब देखिए इसमें जो तीन ऑप्शन दिया हुआ है, ये तीनों का क्या प्रयोग है? इसमें सबसे पहला ऑप्शन लिखा है ऑटो हाइड रिबन। देखिए अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो रिबन भी हाइड हो जाएगा, प्लस मेनू बार भी हाइड हो जाएगा। क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? सादा और कुछ नहीं दिख रहा है? इंचेस दिख रहा है, और कुछ टाइटल बार नहीं दिख रहा है यहाँ पे? ये टाइटल बार ऊपर दिख नहीं रहा है? मिनिमाइज मैक्सिमाइज किसमें होता है? टाइटल बार में ही होता है। तो अभी मैंने पहले पे क्लिक किया तो हाइड हो गया क्या? रिबन और मेनू बार हाइड हुआ है ना। क्या चीज दिख रहा है? टाइटल बार दिख रहा है। इसमें दो ऑप्शन लिखा हुआ है, शो टैब का मतलब केवल टैब को शो कराना चाहते हैं, तो शो टैब पे क्लिक करेंगे तो केवल टैब शो होगा। क्या इसमें रिबन दिख रहा है? बोलिए, रिबन को देखना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करिए, यहाँ से शो टैब एंड कमांड्स पे क्लिक करेंगे तो दोनों एक साथ आ जाएगा। देखिए कोई दिक्कत? देखिए
अब इस क्विक एक्सेस टूल बार में मैंने आपको बताया था कि इतने सारे ऑप्शन दिए हुए, देखिए इतने सारे ऑप्शन क्विक एक्सेस टूल बार बताया था मैंने वर्डपैड में ना। और क्विक एक्सेस टूल बार को आप चाहेंगे रिबन के नीचे लेके आना, इसे पे क्लिक करेंगे आप इसको नीचे भी लेके आ सकते हैं, सो बिलो द रिबन, आप इसको रिबन को नीचे भी लेके आ सकते हैं, रिबन के नीचे, ये क्विक एक्सेस टूल बार रिबन के नीचे आ गए। रिबन के ऊपर करना है पुनः इस पे क्लिक करिए, सो अबव द रिबन, ये रिबन के ऊपर भी चला जाएगा, कोई दिक्कत। तो इसमें इतना सारा आपका रिबन, इसमें इतना सारा क्विक एक्सेस टूल बार दिया हुआ, जो ट्रिक है वो तो आपको दिखा रहा है, जो अन ट्रिक है वो ऑप्शन इसमें आपको नहीं दिखा रहा है। अब देखिए इसमें चाहेंगे तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, देखिए देखिए इंक्रीज हो रहा है, इस पे और भी ऑप्शन दिया है, मोर मोर कमांड्स, इसमें बहुत सारे कमांड दिए हैं, मतलब इसके अलावा भी अगर आपको कुछ ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने बुलेट ले लिया, इसको भी ऐड कर दिया, ये भी ऐड हो जाएगा किसमें, क्विक एक्सेस टूल बार में, यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब चलिए अगला ऑप्शन यहाँ पे जो दिया है, इसको मैंने अभी आपको बताया कि मेनू बार के नाम से भी जानते हैं, इसको मेनू बार के नाम से भी जाना जाता है, और प्लस इसको टैब के नाम से भी जानते हैं, समझ में आ रहा है ना। अगर देखिए अगर आप इसमें माउस से राइट क्लिक करेंगे तो इसमें आपको चार ऑप्शन मिलेगा, पहला ऑप्शन लिखा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, मतलब जो ऑप्शन हम यहाँ से ओपन कर रहे थे ना वही ऑप्शन राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए दिया कस्टमाइज द एक्सेस क्विक एक्सेस टूल बार। अगला क्या इसमें ऑप्शन दिया है, तो कह रहा है कि स्विक कह रहा है कि सो क्विक एक्सेस टूल बार बिलो द रिबन, मतलब इसी को हम नीचे लेके आ सकते हैं, रिबन के नीचे लेके आ सकते हैं, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये रिबन के नीचे आ जाएगा, ऑप्शन वही है बस दो जगह दिया हुआ, पुनः इस पे क्लिक करेंगे तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है कस्टोमाइज द रिबन, मतलब रिबन को कस्टोमाइज करके देख सकते हैं, राइट क्लिक करिए रिबन, देखिए कस्टोमाइज द रिबन लिखा है, और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे राइट क्लिक, इसमें एक ऑप्शन आपको मिलता है कोलैप्स द रिबन, मतलब आप इसको हाइड करा सकते हैं, ऐसे भी प्रॉब्लम आता होगा, इस पे आपने काम किया और यहाँ पे जब क्लिक करते होंगे तो आता होगा, फिर यहाँ से गायब हो जाता होगा, तो ऐसा अगर प्रॉब्लम आता है तो मतलब ये समझिएगा कि माउस से राइट क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आपका इनेबल हो, अगर आप इसको डिसेबल कर देते हो तो ये ऑप्शन हमेशा के लिए इनेबल हो जाता है, ये डिसेबल होता ही नहीं, हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले तो रिबन में इतना सारा ग्रुप आपका दिया हुआ है, देखिए क्लिप बोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप है, और एडिटिंग ग्रुप, इतने सारे इसमें ग्रुप पाए जाते हैं, ये ग्रुप है किसके, होम टैब के ग्रुप है, इंसर्ट पे जाएंगे तो देखिए ग्रुप चेंज हुआ कि नहीं हुआ, अगर आप डिजाइन पे जाएंगे तो भी ग्रुप आपका चेंज हो जाएगा, पेज लेआउट पे जाएंगे तो भी ग्रुप आपका चेंज हो जाएगा, तो ये ग्रुप होता किसका, मेनू बार का, जो हमको शो करके दिखाता है कहाँ पे, तो रिबन के जस्ट नीचे हमको शो करके यही ग्रुप होता है सर, कोई दिक्कत। अब चलिए अब इसके बाद से यहाँ पे अगला ऑप्शन जो दिया है इसको किस नाम से जाना जाता है, ये हमारा रूलर बार होता है, तो रूलर बार आपका टॉप में भी दिखा रहा है और लेफ्ट साइड में भी दिखा रहा है, और ये तो हमारा ब्लैंक पेज होता है ना, ये तो हमारा ब्लैंक पेज होता है, और सबसे नीचे वाले ऑप्शन का क्या नाम होता है, बोलिए, इसको स्टेटस बार के नाम से जाना जाता है, जिसमें ये शो करके दिखाता है कि आपने पेजों की संख्या कितना लिया है, और प्लस कौन सा लैंग्वेज है, और प्लस इसमें पेज की साइज भी यहाँ पे शो करके दिखाता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, स्टेटस बार होता है, कोई दिक्कत किसी को। अब चलिए यहाँ पे पांच पैराग्राफ लाने का शॉर्टकट की क्या होता है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करेंगे, रुकिए इसकी साइज को हम बढ़ा लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे इक्वल लिखिएगा, और यहाँ पे लिखना होता है आर ए एन डी, ब्रेकेट ओपन क्लोज एंटर करेंगे तो पांच पैराग्राफ आपको लिखा हुआ मिल जाता है,
देखिए इतना सारा लिखा हुआ मिल गया, आप लिखेंगे तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? ये बाय डिफॉल्ट आपको लिखा हुआ दिख जाता है। जिसमें मैं शॉर्ट रहेगा उसमें आ जाएगा, एक शॉर्टकट की होता है। और ये एक प्रकार का जो है, आप ये समझिए कि ये बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ लाने की संख्या को हम आसानी तरीके से ला सकते हैं। एक और तरीका इसमें समझिए, जैसे अभी तो मैंने इसमें नंबर नहीं लिखा था तो बाय डिफॉल्ट 5 पैराग्राफ मिल गए। अगर आप यहाँ पे इक्वल रेंट लिखते हैं और आपने अगर यहाँ पे कुछ नंबर भी दे दिया, जैसे मैंने 100 दे दिया, तो पैराग्राफों की टोटल संख्या कितना हो जाएगा? 100। कैसे पता चलेगा? मान के चलिए कि कम भी तो हो सकता है, कंट्रोल इसे सिलेक्शन करिए और यहां से आकर के आप इसको काउंट कर लीजिए। सही बता रहा है कि गलत बता रहा है? समझ में आया? एक और तरीका होता है, एक और तरीका होता है लाने के लिए क्या पैराग्राफ, सबसे पहले इक्वल करिएगा, इक्वल करिएगा। इसमें लिखना है लोरेम और ब्रैकेट ओपन क्लोज करके एंटर करेंगे तो भी आ जाएंगे। ठीक है, अभी तक तो मैंने केवल रेंट के बारे में बताया था ना, ये लोरेम के माध्यम से भी लेके आ सकते हैं। अरे ये सब अपने वहां का वर्ड नहीं है, ये सब हमको लग रहा है अमेरिका साइड का, प्रेटियम मैटिस पता नहीं क्या क्या दिया हुआ हो जाएगा ना। तो ये आपका एमएस वर्ड है। और देखिए एमएस वर्ड में ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेगा जो ऑलरेडी मैंने आपको वर्ड पैड में पढ़ा रखा है, ध्यान से देखिए। इसमें अलग ऑप्शन क्या है, फॉर्मेट प्रिंटर, बाकी तो लगभग इतना सारा ऑप्शन मैंने पढ़ाया ही आपको। अब इसका प्रयोग क्या है फॉर्मेट प्रिंटर का, कट कॉपी के बारे में पता है ना? जैसे यहाँ पे 5 पैराग्राफ इंसर्ट कर देते हैं, देखिए इसमें मैंने आपको बताया था कट और कॉपी के बारे में। अगर इतना डेटा आप सिलेक्शन करके हटाना चाहते हैं, दूसरे जगह रखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? कट करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस कट करने का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स होता है, एक्स से कट होगा और सी से कॉपी होगा। और कट वाले डेटा को एक ही बार कट कर सकते हैं और कॉपी वाले डेटा को हम जितने बार चाहेंगे उतने बार कॉपी कर सकते हैं। हाँ, पेस्ट जितने बार करना है उतने बार करिए, लेकिन कट मात्र एक ही बार करें। यहां से जैसे ही कंट्रोल एक्स दबाएंगे तो ये डेटा यहां से गायब हो जाएगा। देखिए अब कहां पे रखना है, वहां पे कर्सर लेके आइए और कंट्रोल प्लस वी बटन दबा दीजिए, कोई दिक्कत? तो ये होता है आपका कट पेस्ट। और कॉपी के बारे में बात करें तो कॉपी का मतलब ये होता है कि जैसे आपने 5 पैराग्राफ लिखा है और 5 पैराग्राफ और आपको टाइप करना है, तो टाइप करने के बजाय सबको सिलेक्शन करके कंट्रोल सी से कॉपी करिए और यहां पे ला करके कंट्रोल प्लस वी से, कोई दिक्कत? अब चलिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है फॉर्मेट प्रिंटर, जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है फॉर्मेट प्रिंटर। स्टार्टिंग में दिया है लेकिन इसका प्रयोग बहुत ही जगहों पे किया जाता है और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। अब इसका प्रयोग क्या है तो देखिए, जैसे जो है मैंने यहां पे लिख लिया इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना? और फिर यहां पे आते हैं, फिर मैंने एंटर किया और इसी डेटा को हम कॉपी कर लेते हैं और यहां पे ला करके कंट्रोल प्लस बी से पेस्ट कर देते हैं। और यहां से मैंने कंप्यूटर को हटा करके लिख लिया सीपीयू, ध्यान से समझिएगा नहीं तो ऑप्शन समझ में नहीं आएगा। फिर यहां पे आते हैं कंट्रोल प्लस बी और यहां पे लिख लेते हैं माउस, मॉनिटर। फिर यहां पे आ जाते हैं कंट्रोल प्लस बी
कंप्यूटर मेमोरी। चलिए इतना ही पे बताते हैं। अब देखिए, जैसे क्या आपको हेडिंग दिख रहा है, ये मान के चलिए कि कहीं जैसा पूरा लिखा हुआ है ना, हेडिंग आपको क्लियर नहीं महसूस हो रहा है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि आप इसको हेडिंग के रूप में बना दें, तो पहले तो आप इसको सिलेक्शन करेंगे, इसकी साइज को आप यहां से इंक्रीज कर लीजिए, Ctrl+V से बोल्ड कर लीजिए, Ctrl+U से अंडरलाइन कर लीजिए, और प्लस यहां से आकर के कोई कलर भी आप दे दीजिए। अब हेडिंग हो सकता है ना। अब देखिए, अब हम चाहते हैं कि जिस तरीके से पहला हेडिंग मैंने लिखा है उसी तरीके से ये सेकंड वाला बन जाए, उसी तरीके से तीसरा, चौथा, पांचवा सब ऐसे ही बन जाए, तो क्या करना पड़ेगा? सबको सिलेक्शन करें और इसकी साइज को बढ़ाएं, तभी होगा ना। लेकिन नहीं, मैंने आपको बताया था कि इसके जैसा, अगर इसी के जैसा सारे हेडिंग को बनाना है तो इसमें से थोड़ा सा डेटा आप सिलेक्शन कर रही है, या तो मर्जी करे तो थोड़ा सा डेटा ले लीजिए, और मर्जी करे तो पूरा डेटा ले लीजिए, और यहां से फॉर्मेट पेंटर ले लीजिए। देखिए इसमें ब्रश जुड़ा हुआ दिख रहा है, यहां से लेकर के यहां तक ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। फिर इसको सिलेक्शन करिए फॉर्मेट पेंटर, यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप, हाँ एक साथ भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेलेक्शन करना पड़ेगा तब होगा। देखिए क्या ऐसा ऑप्शन मैंने वर्डपैड में बताया था, बोलिए। वर्डपैड वर्डपैड में मैंने कहाँ बताया था यार, हाँ वर्डपैड में मैंने कहाँ बताया इसके बारे में, ये बताए थे, लेकिन फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग मैंने नहीं बताया था। समझ में आया सबको? अब एक साथ अगर आप लगा ले रहे हैं और क्वेश्चन ये बन जाए कि जिस तरीके से पहले पेज था वैसे आप लेके आइए, तब कैसे क्या करेंगे? तो कंट्रोल ए से सबको सिलेक्शन करिए, पूरी फॉर्मेटिंग आपको हटाना हो तो यहां से ले लीजिएगा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। एक साथ आपने लगाना सीखा है ना, एक साथ आप चाहेंगे तो पूरे को हटा भी सकते हैं। बस Ctrl+Z। अब यानी कि पेज को बंद करके तब Ctrl+Z दबाओ, तब नहीं आएगा, पेज यहीं पे ओपन होना चाहिए। ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए इसमें और भी ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कौन सा ऑप्शन काम नहीं करता है? जैसे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे पूरा फॉर्मेट हट गया था ना, लेकिन इसमें केवल काम नहीं करता तो आपका हाईलाइटेड सेल है, हाईलाइटेड कलर है। जैसे अगर आप इसको हाईलाइटेड कलर लगा देंगे तो ये कुछ डिफरेंट दिखेगा ना, दिख रहा है ना डिफरेंट? लेकिन अगर कंट्रोल इसे सिलेक्शन करने के बाद अगर क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करेंगे तो पूरा फॉर्मेटिंग हट जाएगा, केवल कलर वाला ऑप्शन आपका नहीं हटेगा। हटा है, इसको हटाने के लिए यहीं से आकर के नो कलर, तब ये ऑप्शन हटेगा। कोई दिक्कत? अब चलिए अगला, इसमें जो ऑप्शन दिया है ये मैंने पूरा पढ़ा दिया है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू। लेकिन देखिए एक चीज और समझिए, जैसे अंडरलाइन के बारे में अगर हम बात करें तो याद करिए मैंने अंडरलाइन में मात्र एक ही ऑप्शन आपको बताया था, किसमें? वर्ड पैड में बताया था ना। लेकिन इसमें क्या उसमें हम अंडरलाइन का कलर चेंज कर पाते थे? बोलिए, अगर फॉन्ट की कलर चेंज हो जाता था तो अंडरलाइन का भी कलर चेंज हो जाता था। अगर हम ये चाहते हैं कि फॉन्ट का कलर अलग हो और अंडरलाइन का कलर अलग हो, तो देखिए पहले अंडरलाइन पे आप क्लिक करिए, देखिए इतना सारा फॉर्मेट है, आपको अंडरलाइन मिलता है। यहाँ से डबल करना चाहते हैं तो डबल ले सकते हैं, डॉटेड में करना चाहते हैं तो डॉटेड में भी लाइन ले सकते हैं। देखिए कुछ ऐसे इंटरफेस में दिखाए, समय डिफरेंट दिख रहा है क्या? इतना सारा ऑप्शन वर्डपैड में था, यहाँ से डबल अंडरलाइन में ले लिया। और जैसे मान के चलिए कि इसकी कलर को आप बदलना चाहते हैं, किस कलर में दिखा रहा है? रेड कलर में दिखा रहा है। हम ये चाहते हैं कि अंडरलाइन का कलर ग्रीन हो जाए, तो सिलेक्शन करिए, अंडरलाइन पे आ जाइए, और यहाँ से मोर अंडरलाइन कलर का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप इसके लिए ग्रीन ले लीजिए, हो जाएगा। तो ये अंडरलाइन में इतना सारा ऑप्शन आपका दिया हुआ है, देखिए। और बाकी ये सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट के बारे में आपका पढ़ाया ही है, पेज यहाँ पे लिखे गए टेक्स्ट को इंक्रीज करना मैंने पढ़ाया है, फॉन्ट की साइज इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, ये पूरा मैंने वर्डपैड में आपको पढ़ाया है।
आप देखिए इसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। ये ऑप्शन मैंने आपको नहीं पढ़ा है, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी, इसका प्रयोग क्या है? तो देखिए मैंने कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लिया और यहाँ पे हम लिख देते हैं इंडिया, और इसको मैंने सिलेक्शन किया और इसकी साइज को इनक्रीज कर देते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इतना सारा फॉर्मेट आपको मिलेगा, देखिए अलग अलग आप इसमें फॉर्मेट ले सकते हैं। अलग फॉर्मेटिंग हुआ है, इस पे क्लिक करिए। चलिए इसकी हम जो है फॉन्ट को यहां से बदल देते हैं। आप इसको सिलेक्शन करिए और चले जाइए यहाँ पे, इसका ऑप्शन का नाम है क्या, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। तो यहां से इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए इसमें से कोई सा भी ऑप्शन आप अप्लाई करके देख सकते हैं। ये पहला कंडीशन समझ में आया सबको? इसमें और भी ऑप्शन दिया, जैसे आप आउटलाइन की कलर आप बदलना चाहते हैं तो आप इसकी आउटलाइन की कलर बदल सकते हैं। देखिए हल्का हल्का येलो दिख रहा है क्या, हल्का हल्का येलो, तो ये आउटलाइन की कलर है। इसमें और भी ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए इसको हम सिलेक्शन करते हैं, इसमें और भी ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए अगर आप चाहते हैं शेडो लगाना तो आप इसमें शेडो भी लगा सकते हैं, देखिए कुछ शेडो इस तरीके से आता है, शेडो दिख रहा है। अरे जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हमारा एक परछाई बनता है, बस वैसे ही परछाई इसका भी, यहाँ पे धूप नहीं है। चलिए इसमें और भी ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करके अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से हटा सकते हैं। देखिए देखिए इसमें रिफ्लेक्शन भी दिया हुआ है, ये वर्ड आपका रिफ्लेक्शन करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, देखिए कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो इसमें इतना सारा ऑप्शन दिया है, इसका बारी बारी से आप इस्तेमाल करके देखिएगा, पूरा ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें ग्लो वाला भी ऑप्शन दिया है, देखिए ये कुछ ऐसे शाइनिंग टाइप का आपको मिलेगा, देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा, कुछ डिफरेंट दिख रहा है ना। पर इसको सिलेक्शन करके करेंगे तभी जाकर के ऑप्शन काम करेगा, ठीक है। इसमें और भी ऑप्शन दिया है, देखिए होम टैब में इसमें और भी ऑप्शन दिया है, ये नंबर स्टाइल वाला ऑप्शन, अब चलिए इसमें एक नंबर वाला भी ऑप्शन दिया है, ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर स्टाइल। इसका प्रयोग हम तब करेंगे जब कुछ नंबर वगैरह टाइप करना हो, जैसे यहाँ पर मैंने कुछ नंबर दे दिया 1 2 3 ऐसे, अब इसको मैंने सिलेक्शन किया। अब देखिए इसकी भी अलग फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आ जाइए टेक्स्ट इफेक्ट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से नंबर स्टाइल, थोड़ा बहुत चेंजिंग जरूर दिख रहा होगा, देखिए हो रहा है चेंजिंग। आप देखिए कैसे दिख रहा है, तब ये सारा ऑप्शन अप्लाई करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन है क्या, ये है आपका शेडो, आपका केस चेंज वाला ऑप्शन। केस चेंज का मतलब क्या होता है, जैसे ये लिखा हुआ पूरा लेटर कैपिटल है तो हम चाहेंगे तो स्मॉल में कर सकते हैं, Shift+F3 से, देखिए Shift+F3, अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, देखिए तीन केसों में आप इसको चेंज कर सकते हैं। इतना पहले आप लोग ट्राई करके देखिए, शेष कल की क्लास में सीखा जाएगा, हिंदी में लिखना ही पड़ेगा तब हम हिंदी के बारे में बताएंगे, पहले अभी इतना नॉर्मल प्रैक्टिकल आपको करिए, ठीक है।
इतना पूरा ऑप्शंस का प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, पूरा मैंने आपको पढ़ा दिया है, कल से हम लोग यहाँ से पढ़ा जाएगा। यहाँ से इसमें भी कुछ ऐसा ऑप्शन मिलेगा जो ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया गया। देखिए एक बार ट्राई करके देखिएगा, नहीं हो पाएगा तो हम कल पढ़ाएंगे।